मॉड्यूल एक, सामान्य गर्भावस्था, अवधि 12 मिनट 47 सेकंड। फिल्म देखने के पश्चात प्रशिक्षणार्थी इन विषयों पर चर्चा कर सकेंगे। एएनसी क्लिनिक का माहौल व व्यवस्था, गर्भवती महिला को परामर्श। गर्भवती स्त्री की नियमित जांच को प्रसव पूर्व देखभाल कहते हैं। माँ और बच्चे की अच्छी सेहत को सुनिश्चित करने के लिए ये जांच नियमित अंतराल पर की जाती है। इससे गर्भवती स्त्री में संभावित मुश्किलों जैसे खून की कमी और उच्च रक्तचाप की समय पूर्व जानकारी मिलती है। साथ ही फीटस के धीमे या अपर्याप्त विकास की जांच भी हो जाती है। प्रसव पूर्व जांच द्वारा हमें डिलीवरी प्लान बनाने और सही रेफरल फैसिलिटी को निश्चित करने का समय मिलता है, ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को मनोवैज्ञानिक मदद की भी जरूरत होती है। आपका नाम क्या है? ज्योति, पहला बच्चा है? प्रसव पूर्व जांच के दौरान प्रत्येक गर्भवती महिला से दोस्ताना व्यवहार रखें, उसकी बातों और परेशानियों को ध्यान से सुनें। अभी कोई परेशानी आपको? कोई तकलीफ नहीं है? इसके बाद महिला से उसकी आखिरी माहवारी या LMP के बारे में पूछें। याद रखें कि ये उसकी आखिरी माहवारी का पहला दिन है। अगर उसे याद न आ रहा हो तो मुख्य त्योहार या उसकी अंतिम प्रसव पूर्व जांच की तिथि बताकर उसे उसकी LMP याद दिलाने में मदद करें। LMP जांच के समय भ्रूण की आयु यानी जेस्टेशनल एज और अपेक्षित जन्म की तारीख यानी EDD निकालने के लिए प्रयोग की जाती है। सामान्य मासिक चक्र वाली महिला के लिए इसका साधारण सा फॉर्मूला है, EDD equals LMP plus 9 महीने प्लस 7 दिन। उदाहरण के लिए यदि किसी महिला की LMP 1 जनवरी है तो उसकी EDD 1 अक्टूबर प्लस 7 दिन यानी 8 अक्टूबर होगी। गर्भवती स्त्री से उसके प्रसूति संबंधी इतिहास की जानकारी लें। कोई कच्चा बच्चा गिरा तो नहीं है? अभी ये पहला बच्चा है ना आपका? अच्छा, इससे पहले कोई तकलीफ नहीं हुई? अगर महिला इससे पहले भी गर्भ धारण कर चुकी हो तो पिछले गर्भ के दौरान APH, एक्लेम्सिया, PPH, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर और सिजेरियन सेक्शन की भी जानकारी लें। इस समय किसी व्यक्तिगत या पारिवारिक तंत्रगत बीमारी का भी विवरण लें। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप की बीमारी तो नहीं हुई? अच्छा, आपको वो शुगर जिसको बोलते हैं मधुमेह की बीमारी तो नहीं हुई? अच्छा, TB की कोई शिकायत तो नहीं रही कभी? कभी सांस फूलना और धुक धुक तेज धक धक होती है ना? नहीं। अच्छा, आपके घर में भी किसी को, आपके परिवारजनों को ये जो अभी मैंने बीमारियां पूछी चार आपसे, उनकी कोई शिकायत तो नहीं रही? किसी को नहीं है? अब शारीरिक जांच करें। ये प्रक्रिया हर प्रसव जांच पर दोहराई जाती है, इसलिए इसका एक पूरा रिकॉर्ड रखें और प्राप्त जानकारी की तुलना करें। अगर कोई लक्षण मापदंडों के अनुसार न हो तो तुरंत चिकित्सा अधिकारी को रेफर करें। थायराइड एनलार्जमेंट की भी जांच करें। अगला महत्वपूर्ण काम है पेट और स्तनों की जांच करना। ज्योति, ये आप पेशाब लेके आओ इसमें, क्योंकि आपके पेट की जांच करनी है ना, तो खाली चाहिए वो, और थोड़ा इसमें जांच के लिए लेते हो। अंदर रख दो इसको। अभी आपके स्तन और पेट की जांच करेंगे, अंदर चल के आ जाओ।
इन्वर्टेड निपल्स की समस्या से निपटने के लिए स्तनों की जांच की जाती है। ज्योति लेट जाओ जरा आराम से। पेट की जांच करना है तो थोड़ा कपड़ा ऊपर करूंगी। अब आप तैयार हैं भ्रूण की ऊंचाई यानी फंडल हाइट द्वारा जेस्टेशनल एज का पता लगाने के लिए। अब हम फंडल हाइट नापने के लिए तैयार हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो लाइन अम्ब्लाइकस से गुजरती है वहाँ पे हम 24 हफ्ते लेके चलते हैं और अम्ब्लाइकस से लेकर सिम्फिसिस प्यूबिस तक के हिस्से को हमने 3 बराबर भागों में बांटना है, जैसे कि एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और तीसरा हमारा सिम्फिसिस प्यूबिस पे है। सो 1, 2, 3 हिस्सों में बराबर में बांटा। इसी तरह हम अम्ब्लाइकस से लेके ज़िफिस स्टर्नम तक के भाग को 3 बराबर हिस्सों में बांटते हैं, ये एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। अब हम कहाँ पे कितने हफ्ते हुए वो देखते हैं। 24 हफ्ते हुए जहाँ पे अम्ब्लाइकस है। सिम्फिसिस प्यूबिस पे देखें 12 हफ्ते, अगले वाले लाइन पे हमारे 16 हफ्ते, उसके अगले लाइन पे 20 हफ्ते और फिर से आ गया वो 24 हफ्ते और पहला भाग जो ऊपर की तरफ है ये 28 हफ्ते, ये 32 हफ्ते और उसके बाद 36 हफ्ते। अपने पहले उदाहरण को ही लेते हैं जहां महिला की LMP 1 जनवरी थी और EDD 8 अक्टूबर थी। अगर आप गर्भवती महिला की जांच 1 अप्रैल को कर रहे हैं तो ऐसे में गर्भावस्था का समय 3 महीने होगा, जो कि 12 हफ्तों से थोड़ा सा ज्यादा होगा। इस समय भ्रूण की ऊंचाई सिम्फिसिस प्यूबिस के आसपास होगी। जैसे जैसे गर्भावस्था बढ़ती जाएगी ये भी बढ़ती जाएगी। 36 हफ्ते के बाद जब बच्चा थोड़ा नीचे पेल्विस में आ जाता है तो वो थोड़ा नीचे आ जाता है और 40 हफ्ते दर्शाता है। 40 हफ्ते थोड़ा सा 36 हफ्ते के नीचे है, पर फर्क ये है कि तब फ्लैंक्स में पूरा भरावट होती है और इस तरह फंडल हाइट नापी जाती है। भ्रूण की स्थिति को एब्डोमिनल ग्रिप्स द्वारा जाने। अभी देखना है बच्चे का सर किधर है, उसका कमर किधर है ना। तो पहले देखते हैं कि ऊपर क्या है ना। तो ऊपर सॉफ्ट है, ये आपका बच्चे का कूला है, ठीक है। अभी साइड में देखें क्या है। इस तरफ बच्चे के पैर हैं, इस तरफ इसका बैक है कमर और इधर उसका कूले हैं, ठीक है। और सर नीचे की तरफ है, ठीक। पहले गर्भ में महिला को बच्चे का हिलना डुलना 20 से 22 हफ्तों के आसपास महसूस होता है, जबकि दूसरे गर्भ से यही जल्दी महसूस होना शुरू हो जाता है, करीब 18 हफ्तों के आसपास। ज्योति तुम्हारे बच्चे की धड़कन देख लेते हैं। फीटल हार्ट साउंड FHS यानी भ्रूण की धड़कन को गर्भावस्था के 24वें हफ्ते के बाद सुना जा सकता है। इसके लिए फीटोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। यदि फीटल हार्ट रेट यानी FHR प्रति मिनट 120 से कम या 160 से ज्यादा है तो तुरंत चिकित्सा अधिकारी को रेफर करें। अंत में शुगर और प्रोटीन के लिए पेशाब की जांच तथा हीमोग्लोबिन के लिए खून की जांच कर लें। जाने से पहले एक बहुत जरूरी परामर्श देना रह गया। प्रसव जांच के दौरान गर्भवती महिला और उसके परिवार के सदस्यों को सही परामर्श देना बहुत जरूरी है। ये आहार का महत्व और बढ़ जाता है और आपको जैसे पहले ये 3 बार खाती थी, आप 3 बार खाते थे पहले, अभी आप ऐसे समझें कि आपको उससे ज़्यादा 1 बार और 4 बार खाना है। जैसे कि ये सुबह आपने खाया, फिर दोपहर को खाया, फिर शाम के वक्त में 4 बजे, फिर रात का भोजन खाया और इसके बीच में भी आपको जैसे भुने हुए चने, मूंगफली
ये वाली चीज़ें आप बीच में भी खाते रहें। गर्भावस्था के दौरान आराम बहुत ज़रूरी है, इसमें आप भी इनकी मदद करेंगे। तो ये आराम 2 घंटे दिन में बहुत ज़रूरी है कि वो आराम करें, और रात को 8 घंटे। गर्भावस्था में 4 बार दिखाने आएँ, और 2 टीटी की खुराक, 2 इंजेक्शन्स टीटी के जो लगते हैं इस दौरान वो लगवाएं। और आपकी जो बाकी जांच होती है, जैसे कि आपका रक्तचाप देखा जाता है, ब्लड प्रेशर चेक होता है, और ये आयरन फोलिक एसिड की 100 कम से कम गोलियां लें। एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, गर्भावस्था के दौरान खतरे के लक्षण, लगातार सर में दर्द होना या आँखों के सामने अंधेरा छा जाना, उस स्थिति में तुरंत अस्पताल आएँ। खून जाना गर्भावस्था के दौरान, आपको पेट में दर्द होना, और अगर आपको झटके आते हैं गर्भावस्था के दौरान तो आपको तुरंत अस्पताल आना है। संस्थागत प्रसव ही सुरक्षित प्रसव होता है, इसके लिए आपको पहले से तय करके रखना है कि कौन से अस्पताल में डिलीवरी कराएंगे, और वहां पहुंचने के लिए एम्बुलेंस का नंबर या ड्राइवर का नंबर अपने पास रखें। जब आपका बच्चा पैदा हो जाएगा उसके बाद आपको स्तनपान उसको ज़रूर कराना है। स्तनपान का बहुत महत्व है, वो बहुत सारी बीमारियों से आपके बच्चे को बचाता है। और आप जितनी जल्दी दूध पिलाएंगी, 1 घंटे के अंदर अंदर दूध पिलाने से बच्चा दूध पीना बहुत अच्छा सीख जाता है। तो स्तनपान बहुत ज़रूरी है, वो आपके बच्चे को बहुत रोगों से बचाता है। और एक और चीज़ इसके साथ साथ उसकी बच्चे की देखभाल से संबंधित बताना चाहती हूँ, कि जो उसकी नाल होती है, नाल आप जानती हैं, जो ये नाल काटी जाती है, इस नाल पे आप कुछ ना लगाएं, इसको बिल्कुल सूखा रखें तो ये स्वस्थ रहेगी। अगर आप कुछ लगाते हैं इस पे तो उससे बहुत सारे संक्रमण इन्फेक्शन्स हो जाते हैं। एक और ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ कि 2 बच्चों के बीच में 3 साल का अंतराल माँ और बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप परिवार नियोजन के कोई भी तरीके अपना सकते हैं डिलीवरी के बाद, जैसे कि कॉपर्टी, निरोध या गोलियां। अभी जो मैंने सब बातें आपको समझाई वो आपको समझ में आई, आप उन बातों का ध्यान रखेंगे, और जिससे आपका स्वस्थ बच्चा और स्वस्थ माँ रहे। थैंक यू। आइए चर्चा करें। आइए चर्चा करें।